Welcome to Digital अध्यापक. The question is, हम लोगों को डिस्कस करना है, पूछा गया है कि ऐसा कौन सा गैस है, उस गैस का हमें नाम बताना है जो कि बर्न करता है विद अ पॉप साउंड. हमें ऐसा गैस के बारे में बताना है जो बर्न करता है एक पॉप साउंड के साथ. तो सबसे पहली बात यह है कि जो गैस बर्न करता है पॉप साउंड के साथ वो है हाइड्रोजन गैस. अब सबसे पहले ये बात करते हैं कि हाइड्रोजन गैस मिलेगा कैसे हमें. तो अगर हम कोई भी मेटल ले लें, अगर हम सोडियम ले लें, कोई भी मेटल अगर हम ले लें, जैसे मान लीजिए अगर हम सोडियम ले लें, इस सोडियम का रिएक्शन अगर हम कराते हैं वाटर के साथ, H2O के साथ, तो जब इसका रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ तो यहां पे एक मॉलिक्यूल बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और साथ ही साथ यहां से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता नजर आएगा. अगर उसको बैलेंस करना हो तो हमें यहां 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रिएक्शन बैलेंस हो गया. अब यहां पर ये साफ साफ नजर आ रहा है कि हाइड्रोजन गैस यहां पे इवॉल्व हो रहा है. यही नहीं, अगर हम कोई भी मेटल ले लें, जैसे सोडियम ही अगर हम ले लें और इसका रिएक्शन करा दें किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ, अगर हम HCl ले लें और अगर ये डाइल्यूट एसिड है डाइल्यूट फॉर्म में अगर हम ले लें, तो यहां पे एक मॉलिक्यूल बनेगा NaCl का, और साथ ही साथ हमें यहां फिर से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता नजर आएगा. अब अगर हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, रिएक्शन फिर से बैलेंस हो गया. तो ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है हमें, यही बर्न करता है पॉप साउंड के साथ. अब ये पॉप साउंड क्या होता है ये बात समझ लेते हैं. ये जो पॉप साउंड होता है, ऐसा देखा गया है कि जब हाइड्रोजन बर्न करता है ऑक्सीजन के साथ, जैसे ही ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है, बहुत ही एक एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है, और इसी एक्सप्लोजिव रिएक्शन के होने की वजह से हमें एक पॉप साउंड सुनाई देता है. अब ये पॉप साउंड हमें सिर्फ सभी तभी सुनाई देगा जब हम ये रिएक्शन किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर कराएंगे, क्योंकि अगर हम ये रिएक्शन अगर कोई ओपन एटमॉस्फेयर में करा रहे हैं तो फिर वहां पे हाइड्रोजन, क्योंकि हाईली वोलेटाइल होता है नेचर में, इस वजह से वो पॉप साउंड नहीं सुनाई देगा. ये पॉप साउंड हमें सिर्फ तभी सुनाई देगा जब हम इसका रिएक्शन किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर कराएंगे या बॉली ट्यूब के अंदर कराएंगे. अब जब हम किसी बॉली ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन रखते हैं और उसका रिएक्शन जब उसके साथ ऑक्सीजन के साथ होता है, तो रिएक्शन हाईली एक्सप्लोजिव होता है, और एक्सप्लोजिव होने की वजह से इसके अंदर से लगातार जो एनर्जी रिलीज होती है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है, और यही जो एनर्जी रिलीज होती है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, यही प्रोड्यूस करती है एक साउंड जो कि पॉप लाइक साउंड कहलाता है. और ऐसा भी ऑब्जर्व किया गया है एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से कि अगर हम एक बैलून ले लें और अगर बैलून की डायमीटर 10-15 सेंटीमीटर हो, अगर इस बैलून की डायमीटर 10-15 सेंटीमीटर है और इसके अंदर अगर कंप्लीटली हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है, तो ऐसा ह्यूज साउंड सुनाई देगा जो कि बिल्कुल बराबर होता है टू द ब्लास्ट ऑफ एटम बॉम्ब. ये भी एक फैक्ट है.